हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कौर अगेन फ्रॉम कोलकाता। आज हम जो वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ फ्रेंड, तो वो है ब्लाउज में और सलवार कमीज कोई भी चीज़ में अगर हुक लगाए तो कैसे हम हुक लगाए और ब्लाउज में कैसे हम टिप बोतम लगाते हैं, तो वो वीडियो हम आप लोगों को सामने सिखाने के लिए लाया हूँ। तो उससे पहले मैं बता दूँ, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से कहूँगा आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उससे क्या होगा, मैं जितना वीडियो इंटरनेट पर डालूंगा वो ऑटोमेटिकली आपके चैनल पर चला जाएगा। और जो फ्रेंड घर में बैठकर मेरा वीडियो देख रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं, उन लोगों से मेरे वीडियो देखने के लिए फिर से मैं थैंक्स कहूंगा। आप इसी तरह देखते रहिए। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे आज हम जो ब्लाउज है उसमें हुक हम लगाए। ये फ्रेंड राजस्थान का एक रिक्वेस्ट आया है हमारा पास, तो ये देखिए पहले आपको करना चाहिए, ये देखिए हमने एक आपको मार्क करना होगा, ठीक है। तो मार्क का जो मेजरमेंट होगा ना तो सभी एक जैसा होगा, यानी कि आप यहाँ पर अगर 1.5 इंच अगर मेजरमेंट डाले तो सभी में 1.5 इंच हो, ठीक है। और ये किस तरह से किया जाता है, ये फ्रेंड इस तरीका से हमने करते हैं, ठीक है। ये देखिए एक मेजरमेंट, ये मिडिल में अगर पकड़े तो ये इस तरह होता है और ये इसी तरह होता है। ये कभी कभी हम क्या करते हैं, ये तीनों का नीचे में जो हम लगाते हैं ना, नीचे में हम थोड़ा सा क्लोज लगाते हैं। ये देखिए सभी हमारा जो पॉइंट क्या हुआ है इसमें सभी इक्वल है, मगर कभी कभी हम क्या करते हैं, नीचे में हम थोड़ा सा गैपिंग काम कर देते हैं, यानी कि ये गैपिंग ये दो दो तीन के बदले में हम चार लगाते हैं नीचे से, ठीक है। इसी तरह आप कर सकते हो। और इसमें जो ये ऊपर में से हम कट लगाते हैं, तो ये देखिए किस तरह से हम हुक लगाते हैं। तो चलिए ये पॉइंट तो हमारा हो गया, आपको पहले करना क्या पड़ेगा, आपको पॉइंट करना पड़ेगा ऊपर वाला पट्टी में जिसमें हम हुक लगाएंगे। उसके बाद ये देखिए हमारा हुक हम लगाते हैं, ठीक है, किस तरीके से लगा रहे हैं आप देखिए। और ये देखिए फ्रेंड, ये जो हुक आप देख रहे हैं ना, इस हुक को पहले दोनों तरफ थोड़ा सा इस तरह से खींच के ऐसे हमारा गैप कर लेना चाहिए, ठीक है। ये इसी तरह गैप करके हमें लगाना पड़ता है, ठीक है। ये देखिए हम लगा रहे हैं, कैमरा को थोड़ा सा क्लोज करके मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अब थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए नीचे वाला जो गोल की तरह दिख रहा है उसे इसी तरह के हमें स्टिच करना है आपको। ठीक है, और मैंने जो धागे इस्तेमाल कर रहा हूँ फ्रेंड, इस धागे को ये देखिए दो फोल्ड हमने करके लगा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हमें ऊपर में लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए हमारा लॉक होएगा। फिर से मैं दिखा रहा हूं कैसे हम लॉक करते हैं, ये देखिए मैं दोबारा दिखाता हूं। ये देखिए इसी तरह हमें एक स्टिच देकर ऊपर में से दो बार, एक बार आप घुमा सकते हो, घुमाने से ये धागे लॉक हो जाता है, यानी कि ये अब नहीं खुलेगा, ठीक है। ये हमारा एक लगाना होगा। और हम दूसरा हम दिखाएंगे फ्रेंड, ये देखिए थोड़ा सा हम कैसे हुक को लेकर थोड़ा सा गैपिंग कर लिया है। उसके बाद देखिए फिर से मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये देखिए, ये देखिए थोड़ा सा मैंने नीचे से एक दिया, ऊपर से एक दिया, और आपको लगाना चाहिए इस तरह से जे ये हुक नहीं हिलेगा, ठीक है, एकदम नहीं हिलेगा। उसी तरह से बहुत कस के लगाना पड़ता है ये। और ये ऊपर वाला पट्टी है ब्लाउज का फ्रेंड, ये ऊपर वाला पट्टी है, जैसे कि ब्लाउज में तो हम दिखा रहा है, सभी में ऐसे हुक लगाते हैं हम, ठीक है। और घाट का तरह तरह का टेक्निक होता है, वो भी हम आप लोगों को सिखाएंगे।
ठीक है, ये देखिए लॉक हो गया हमारा, ठीक है, ये दूसरा हमारा हो गया। अब इसी तरह हम ये तीनों आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद हम घाट दिखाएंगे, ठीक है। ठीक है, आप देखिए हम तो ये दो हुक लगाया इसमें, और जितना पॉइंट आपको करना है उसी सभी में आपको हुक लगाना है, ठीक है। तो चलिए ये हम घाट दिखाते हैं आप, ठीक है। तो घाट हमको कैसे करना है, तो घाट घाट का भी मेजरमेंट होता है फ्रेंड, ये हुक को इसी तरह को हमें लेना पड़ता है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, आपको इसी तरह लेकर जहां तक ये हुक जा रहा है उस तक आपको मेजरमेंट ऐसे लेता है। और फ्रेंड आपको एक चीज बता दूं फ्रेंड, ये जो देख रहा है ना नीचे वाला जो पुट्टी है ना, ये ब्लाउज में क्या रहेगा, थोड़ा सा ये ओवरलैप रहेगा, ठीक है। यानी कि ये जब हम दिखाए, ये देखिए ऐसा, ये ऐसे नहीं रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा ये देख रहे ना नीचे वाला जो पार्ट रहा ना, इसमें से थोड़ा सा इस तरह ओवरलैप रहेगा, ठीक है। और इस तरह ओवरलैप अगर नहीं होगा तो आपका स्किन दिख जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसे ओवरलैप थोड़ा सा ओवरलैप कर देते हैं, ठीक है। और आपको एक चीज और बता दूं फ्रेंड, आपको कभी कभी क्या होता है, ये जो पोटी होता है ना, जो ऊपर का पोटी थोड़ा सा छोटा व नीचे वाला पोटी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अप डाउन करके आपको हुक लगाकर वो एडजस्ट करना पड़ता है। वो हम करते हैं, कभी कभी गलती हो जाता है स्टिच मैन का, तो इसलिए हम वो जो हेम करे वो उससे ठीक कर देता है, ठीक है। तो ये जो दोनों पोटी, ये एलिट का और ये पटल का, हमारा तो सही है मगर कभी कभी ये करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे घाट करता हूँ मैं, ठीक है। ये देखिए हमारा थोड़ा सा मार्क हो गया, और ये आपको ये देखिए हमारा ऐसे जो इसे कहते हैं ना, इसे हम कहते हैं बातचुई कहते हैं इसे, ठीक है। तो हिंदी में शायद ये क्या कहते हैं मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो ये बातचुई कहते हैं, ठीक है, हमारा बंगाली में फ्रेंड ये बातचुई कहते हैं। और इसे एक छेद करना पड़ेगा, ठीक है, ये देखिए इसी तरह मोटा एक छेद करना पड़ेगा। और अब इसी तरह घाट को हम कैसे बांधते हैं, तो फ्रेंड घाट को आप ऐसे बांधना जैसे इधर से आप देखोगे उधर दिख जाएगा, इसी तरह छेद होगा, ठीक है, जैसे कि ये थोड़ा सा और बड़ा हमें छेद करना है, ठीक है। ये देखिए इसी तरह हमें बड़ा छेद करना है, घुमा घुमा कर आपको करना पड़ेगा। और इसे हम बातचुई कहते हैं, जैसे कि जो बस्ता होता है ना चॉट का, वो बस्ता हम स्टिच करते हैं इस बातचुई से फ्रेंड। ये देखिए इस बातचुई से हम करते हैं, आप पेरेक्स से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए नीचे से हम इसी तरह नीचे से उठाया फ्रेंड, जो स्टिच हम करते हैं नीचे से उठाकर, ये देखिए किस तरह हम कर रहे हैं, ठीक है। मैं सिंपल सा दिखाऊंगा और बहुत ही खूबसूरत दिखेगा उस तरह भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड, मैं थोड़ा सा स्लो करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए ये नीचे वाला से हम स्टिच को नीचे से उठ रहा है फ्रेंड, कोई लॉक नहीं ये हो रहा है, ठीक है। ठीक है, ये इसी तरह हमको जब हम घाट करते हैं,
तो घाट को हम इसी तरह बांधते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऐसे ऐसे थोड़ा सा बांसुरी देकर आपको थोड़ा सा फिर से आपको ऐसे करके ये जो छेद किया है इसे ऐसे इक्वल करना है, ठीक है। तो ये देखिए कि मैंने किस तरीका से फ्रेंड ये घाट किया है, देखिए फिर से, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। और ये जो मैंने चारों तरफ जो घाट बांधा है, तो उस बांधे को अगर आप स्टिच को थोड़ा सा क्लोज दे और भी क्लोज आ जाएगा, ठीक है, ये होता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे हम क्या करेंगे, और हम एक घाट कर देंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा हम घाट करते हैं क्योंकि नीचे में से हम थोड़ा सा ओवरलैप रखते हैं तो कभी कभी ये हमें लगना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखिए कैसे हम इसे कर रहे हैं, ठीक है, ठीके? यस, हम घाट नहीं करते, ठीक है, ये इस तरह हम करते हैं इसे। ठीक है, ये देखिए ये नीचे में से घाट हो गया। और ये हम स्टिच को लॉक कर देते हैं, ठीक है, ठीके? ये नीचे में एक घाट, इसे फ्रेंच नॉट का जो घाट है ना वो हम कहते हैं इसे। ये देखिए मैं थोड़ा सा क्लोज करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये फ्रेंच नॉट का एक घाट है, इसे करना पड़ता है, ठीक है। और एक तरीका है फ्रेंड जो हम आप लोगों को थोड़ा सा समझाएंगे, हम अलग से कपड़ा में समझाएंगे वो कैसे हम करते हैं, ठीक है। ये देखिए हम नीचे से लॉक कर दे रहे हो ये फ्रेंच नॉट को, ठीक है। तो देखिए मैं दोबारा और एक घाट कर रहा हूँ, उसे आप देखें, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड मैंने फिर से एक छेद कर लिया है इसमें, ये देखिए छेद करने के बाद आपको इसी तरह दिखेगा, ठीक है। ये देखिए कैमरा को ये निकाल कर मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये इसी तरह एक छेद दिखेगा, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड अब इस तरफ से उस तरफ दिख जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो फ्रेंड मैं फिर से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। नीचे से हमको स्टेज लेना पड़ेगा और इसी तरह करेंगे, ये देखिए नीचे से हम ले रहे हैं स्टेज को,